Okay, so Manish, let's start your mock interview for the post of PRO, Public Relation Officer, and this is in ONGC, and me and Saklani sir will proceed ahead with your mock. So, very brief introduction from your side, Manish. Sir, as you know, my name is Manish. I'm from Bihar, and I belong to an agrarian family. My mother is a housewife. And I completed my high schooling from Sivan itself. And after that, I completed my intermediate from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sivan. And after I pursued my graduation and post-graduation from Banaras Hindu University. And currently, I am pursuing my PhD itself from Banaras Hindu University. So you have done your post-graduation from Banaras Hindu University, right? Yes, sir. In mass communication. Yes, sir. तो अभी क्या कर रहे हैं आप BHU से? सर अभी मैं PhD परस्यू कर रहा हूँ. PhD कर रहे हैं. कितना टाइम हो गया आपको PhD करते हुए? सर अराउंड 2 years. टू इयर्स. सो एट व्हाट स्टेज इज योर PhD नाउ मनीष? सर अभी प्रपोजल हो गया है, कोर्स वर्क ओवर हो गया है, अब मैं फील्ड वर्क के लिए प्रोग्रेस करने वाला हूँ. So what if you get selected in ONGC, how shall you do balance with your PhD? सर यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल है कि अभी जब कोर्स वर्क पूरा होने के बाद मैं इसको पार्ट टाइम कर सकता हूँ. ओके. तो एंड मोस्ट ऑफ माय PhD इज ऑन क्वालिटेटिव स्टडीज, तो मैं बैठ के भी और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी कर सकता हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हाट इज द रिसर्च टॉपिक यू हैव आइडेंटिफाइड फॉर PhD? स्टीरियोटाइपिंग एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन इन भोजपुरी सॉन्ग. Can you repeat once again? Stereotype what? Stereotyping and objectification of women in popular Bhojpuri songs. So could you identify the reasons for that stereotyping? Yes, sir. How much sir, blame do you give to society for this? Illiteracy बहुत है बिहार में. जो भोजपुरी मुख्यतः बोली जाती है वो बिहार की भाषा है, और इलिटरेसी होने के कारण जो औरतें स्किल नहीं हो पाती हैं, तो स्टीरियोटाइपिंग का एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्हें उन्हीं चीजों के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है जो ट्रेडिशनली होते आए हैं, जैसे होम मेकिंग का काम और बच्चों को संभालना और पोषण करना. और गानों में भी यही सोसाइटी रिफ्लेक्ट करती है, और उनके लिए ऑब्जेक्टिफिकेशन के तौर पर ऐसे स्लेंडर यूज करना, जैसे माल, ऐसे डेरोगेटरी वर्ड यूज करना, और उनके अंगों पे और ऐसे पे मुख्यतः कमेंट होता है, जो दिखाता है कि धीरे 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 ये रेस्पेक्ट कम होता जा रहा है. और इस पे कई बातें भी चल रही हैं कि किसी भी सोसाइटी को अपने जो हाफ स्टेक होल्डर है उसको इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए. So now you see this, Manish, like due to objectification of Bhojpuri actresses, you know, women in these movies, they get a lot of name and fame and money in this. So yes, what is the perspective of women? Won't they get inclined for these kind of roles if they see the success coming to those actresses which are working in these songs and Bhojpuri movies? What is the perspective, from perspective of women, have you identified this issue? Yes, sir. But एक इसका ये एक सही बात है कि उनसे थोड़ा सा मेनस्ट्रीम होने का मौका मिल रहा है, पर एक गलत कारणों से प्रसिद्ध होना दूसरी बात है. और ये एक बहुसंख्यक औरतों को हाशिए पे और एक जो कहते हैं ट्रेडिशनल इमेज के साथ बांध रही है. जैसे इस तरीके से फेम पाने से जो लड़कियां हैं वो स्किल के तरफ नहीं जा रही हैं, या फिर वो खुद को ऑब्जेक्ट समझ रही हैं, वो खुद को एक्सपोजर के लिए तैयार कर रही हैं. बचपन से ही उन्हें ऐसे पालन पोषण किया जाता है जैसे वो सिर्फ मैरिज के लिए ही पैदा हुई हैं, तो इसका एक उल्टा प्रभाव भी पड़ता है. सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? सॉल्यूशन हो सकता है कि उस सोसाइटी को भी बॉयज की तरह गर्ल्स को ट्रीट करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए. और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर डॉरी भी है, क्योंकि जो गार्जियंस होते हैं, जो लो इनकम फैमिलीज के होते हैं, वो लड़की को ऐसे एक इन्वेस्टमेंट लेते हैं कि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसको उसके शादी में ही मुझे खर्च करना है. तो फॉर सेक ऑफ इट
वे मोस्ट ऑफ जो रिसोर्सेज होते हैं वो कलेक्ट करते हैं उसके मैरिज के लिए, जिससे ये प्रोसेस जो होता है ये इम्पेयर्ड हो जाता है और इसी कारण लड़कियों का विकास नहीं हो पाता है। ओके सो मनीष, मेरे को कुछ रोल्स बताओ, रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ पीआरओ। सर, पीआरओ का मेन ड्यूटी ये है कि किसी भी ब्रांड के इमेज को रेप्यूट प्रोवाइड करना और उसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना। पीआरओ का मेन काम है कि जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं और कंपनी, उनके बीच जो कम्युनिकेशन चैनल हमेशा ओपन रहे। और पीआरओ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि क्राइसिस के टाइम जब मेजोरिटी ऑफ पीपल कंसर्न रहते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, तो वो फिर उसको एड्रेस करता है। तो इस प्रकार पीआरओ की जो जिम्मेवारी बढ़ जाती है। पीआरओ का जो रोल है वो एचआर के रोल से कैसे डिफरेंट है? पीआर वो एक्सपोजर के लिए है, वो कैसे बाहरी दुनिया में उस कंपनी का इमेज है या फिर वो कम्युनिकेशन कैसा है। तो अगर एसोसिएट करें तो सर कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि एचआर का काम होता है मेनली कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं या फिर जो ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस करता है। सेम एज पीआर का भी एक रोल होता है कि जो भी प्लान्स बनते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उनको वो कम्युनिकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, जिसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि पीआर अचीवमेंट्स बताने के लिए होता है बाहरी दुनिया को या फिर इन्वेस्टर को कि आप हमें फेथ रखिए, हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। जैसे ONGC का स्टेक होल्डर्स पब्लिक भी हो गया और गवर्नमेंट हो गए, तो फिर ये हम दिखाते हैं कि हमारी कंपनी यहाँ जा रही है या फिर हम ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं। जैसे CSR एक्टिविटीज हो गया, जैसे पीएम केयर रिलीफ में ONGC ने 300 करोड़ दिया। अभी कल की न्यूज ये है कि ONGC ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट गेट किया है। तो सर ये सब अचीवमेंट्स बताने के लिए होते हैं और चैनल्स ओपन करने के लिए। ओके मनीष, आपने मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है एंड जर्नलिज्म में। मेरे यस को सर। पिछले कुछ सालों में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जो चेंजेस आई हैं उनके बारे में कुछ बताइए। सर, सबसे बड़ा चेंज जो जर्नलिज्म फेस कर रहा है, वो अभी ट्रांजिशन हो रहा है और बहुत हद तक हो चुका है। जो एक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से वो डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया की तरफ जा रहा है। तो सर सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट भी यही है जो ट्रेडिशनल मीडिया है। और जर्नलिज्म में एक नया डेफिनेशन आया है सर, सिटीजन जर्नलिज्म का। तो सिटीजन खुद भी रिपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, अवेयरनेस बढ़ गई है किसी ब्रांड के प्रति या किसी भी न्यूज़ के प्रति, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ गए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोई इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, वो एक यूट्यूब चैनल बना के इस जर्नलिज्म के पर्पस को सर्व कर रहे हैं। कभी कभी ये भी आरोप पहले लगते रहे हैं कि जर्नलिज्म के लिए या फिर न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल का जरूरत पड़ता है और इसके लिए वो हैवीली रिलाई हो जाते हैं एडवर्टीजमेंट पे। तो फिर ये भी एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आ गया है, तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट भी आया है जर्नलिज्म। इसमें मनीष, आप जानते होंगे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्राइवेटाइज द पब्लिक सेक्टर्स। यस सर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ ONGC? ONGC, जहाँ तक ONGC के प्राइवेटाइजेशन की बात है, तो मैं बिलीव करता हूँ कि ONGC अभी बेटर फेज में है और गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई कारण नहीं है कि ONGC को ये करे, प्राइवेटाइज करे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास 60% स्टेक है और 40% वैसे भी पब्लिक में है। और जो भी रोल्स दिए जा रहे हैं ONGC को वो फुलफिल कर रहा है। तो और ये डिविडेंड के रूप में और एम्प्लॉयमेंट के रूप में एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। सो इस लिहाज से भी गवर्नमेंट के लिए इसको प्राइवेटाइज करना प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट किसी भी अपने कंपनी में फेज वाइज क्या करती है कि अपने स्टेक्स को कम करती है, और उसके कई कारण होते हैं। वो अपना फिस्कल डिफिसिट कम करना चाहती है, रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, या फिर वो ये भी कर सकती है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए भी वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करती है। ओके, ओवर टू यू सगनानी सर।
Okay, Manish, so okay, am I audible? यस सर, Okay, so हाँ Manish, you are aspiring to get into ONGC, right? यस सर, क्या जानते हो आप ONGC के बारे में? कुछ ब्रीफ बताओगे? सर ONGC सबसे बड़ी ENP कंपनी है और ऑयल कंपनी है, और ये Fortune 500 कंपनीज में आती है, और ये सबसे बड़ी PSUs है ऑयल की सर ये। ओके okay. तो आपको डिफरेंस पता है, एक होती है कंपनी कॉल्ड एज नवरत्ना और एक है महारत्ना, यस सर, ये कौन से कैटेगरी में आती है? महारत्ना सर टॉप कैटेगरी है, ONGC को 2010 में महारत्ना कैटेगरी घोषित किया गया। महारत्ना कैटेगरी के तरह के तहत ONGC को या किसी भी महारत्ना कंपनी को यह अधिकार होता है कि विदाउट गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल के 5,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकती है, और उसका एनुअल टर्नओवर अराउंड 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ होना चाहिए, और वो पहले से एक नवरत्न कंपनी होनी चाहिए। सब ये सब सारे क्राइटेरिया हैं सर एक महारत्न कंपनी होने। ओके सो मेजर लोकेशंस आपको आइडिया है किसमें है? ये डाउनस्ट्रीम में है, अपस्ट्रीम में है? सर ONGC ऑन स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में ऑपरेट करती है, ये क्या मतलब हुआ तीन अपस्ट्रीम और डिग्री। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? अपस्ट्रीम का मतलब सर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन होता है, और डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि वो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो डाउनस्ट्रीम में आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब। तो आपका क्या फ्यूचर देखते हो इसका, ONGC का? एज यू नो स्लोली वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट? यस सर, एंड पर्टिकुलर द व्हीकुलर सेक्शंस दे आर गोइंग टू बी शिफ्टिंग, दे विल बी शिफ्टिंग वेरी सून टू दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट? सो हाउ डू यू सी कि ये कैसे आप कर पाओगे? क्योंकि अगर ऐसा है शिफ्ट, अगर मान लीजिए जल्दी होता है तो इनके रेवेन्यू पे भी सिग्निफिकेंट जो असर पड़ेगा उसका. यस सर, ये एक बड़ा डिबेट है तो, लेकिन सर अभी भी जो इंडिया का पर डे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 5 मिलियन बैरल पर डे है, और एक्सप्लोरेशन उस रेशियो में प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, और सर किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एनर्जी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, और इसको इतना जल्दी रिप्लेस करना भी एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात रही सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, और तो ONGC ने भी धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ONGC का टीम जो इसका एक मिशन भी है ONGC का कि इसको कार्बन न्यूट्रल करना है, तो वो भी एक मिशन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ONGC उस दिशा में भी और आगे बेहतर कदम लेगी। नहीं तो कार्बन न्यूट्रल कैसे कर पाएगी? अगर आप बात करते हैं, लेट्स सी इफ यू टॉक अबाउट अपस्ट्रीम, सो यस सर, अपस्ट्रीम में यू आर ऑलरेडी इन द एक्सप्लोरेशन, यस सर, और डाउन स्ट्रीम यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स, राइट? तो सर ये तो ओके सर, वो जो आप बात कर रहे हो कि कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए हाउ यू कैन मेक इट कार्बन न्यूट्रल, क्योंकि डाउन स्ट्रीम डेफिनेटली इफ यू मेक काइंड ऑफ शिफ्ट, कैन मेक अ शिफ्ट इन डाउन स्ट्रीम, बट अपस्ट्रीम इज ऑल्सो ए मेजर रिसोर्स, राइट? वेर यू आर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, सो हाउ विल यू बी एबल टू अचीव दैट? इट्स ए ह्यूज क्वांटिटी. यस सर, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, बट ONGC के लिए कई अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को वो ये रिसर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ है सोलार। आपके पास, डू यू हैव एनी आइडिया कि ONGC की ऐसे रिन्यूएबल रिलेटेड मेजर प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है? सर राजस्थान में अभी एक ऑक्शन होने वाला है, वो कोल बेड मिथेन ये, और सोलर प्रोजेक्ट्स में ये इन्वेस्ट कर रही है, तो अभी मेरे को इतनी जानकारी है। ओके सो मनीष व्हाई, ओके हैव यू अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू ऑफ अदर पीएसयूज आल्सो? यस सर, फॉर RINL ओके एंड व्हाट वाज द एंड रिजल्ट? सर रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वो काफी पहले इंटरव्यू हो गया था, पर रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हो गया है। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ने उसमें 100% डिस इन्वेस्ट करने का वो फैसला लिया है, तो मुझे लगता है इससे रिलेटेड है जिस कारण अभी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। कोई नोटिफिकेशन भी कंपनी द्वारा नहीं दिया गया है,
So if you got selected over there, then? Sir, मैं ONGC prefer करूँगा. Why? सर ONGC profit making company है और इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी में एक डिफाइंड रोल है. इसका प्रेजेंस भी ऑल ओवर इंडिया ज्यादा है, इवन विदेश में भी इसका प्रेजेंस है. सो करियर स्टार्ट करने के लिए ONGC से ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं हो सकती. Okay, so you want to go with the profit making company? No, sir, profit making company, but sir, जिसमें अपना भविष्य दिख सके और सर जैसे लगे, क्योंकि RINL ऑलरेडी कंपनी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 100% डिस इन्वेस्ट कर देंगे, तो सर वो थोड़ा रिस्की होगा ONGC की तुलना में. नहीं तो डिस इन्वेस्टमेंट मतलब काइंड ऑफ अगर वो डिस इन्वेस्टमेंट हो जाता है मतलब दैट मींस यू आर मोर इंटरेस्टेड इन प्राइवेट काइंड ऑफ पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर, राइट? यस सर, माय प्रायोरिटी इज पब्लिक एंड गवर्नमेंट सेक्टर बिकॉज़ मेरा जो बट ONGC कैन डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू द फेट ऑफ ONGC आल्सो. But so let's say in the near future, down the line, right now, at least you're clear about RINL that okay, they are going to be kind of privatized. Yeah, but yes, you don't know about the ONGC, maybe down the line after 10 years, you're not sure about it. Yes, sir, but ONGC has a role in energy security. They are exploring and doing this type of stuff. So I think they have a better future because there are already many steel factories are there in India, like Tata is there, SAIL is there. And so I think it would be better opportunity to get in ONGC. You have mentioned about yes, some of your kind of those strengths. You are adaptable, outspoken. Yes, sir. So how we will come to know that you are adaptable? Because sir, मेरी जर्नी गांव से स्टार्ट हुई और मैं धीरे 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 अलग अलग ग्रुप्स में रहा हूँ और मैं धीरे धीरे अपने आप को उस तरह से अडेप्ट कर लेता हूँ, वो क्लाइमेट के हिसाब से असिमिलेट कर लेता हूँ. तो और मैं सोशेबल भी हूँ, दोस्त मेरे बन जाते हैं वो, और वो डाइवर्सिफाइड होते हैं, वो हर एक जगह के होते हैं. तो मुझे लगता है कि मैं अडेप्टेबल हूँ इसलिए. दोस्त कैसे, क्या बनाना, दोस्त को बनाने का तरीका क्या है कि अगर किसी अपने फ्रेंड्स बनाने हैं इजिली तो कैसे इजिली बनाए जा सकते हैं? सर इजिली दोस्त बनाने के लिए सबसे जो अच्छी चीज है कि आप उसके पर्सनालिटी ट्रेट और अपने पर्सनालिटी ट्रेट को देखते हैं, फिर वो पर्सपेक्टिव देखते हैं. कभी कभी कंफ्लिक्टिंग भी होते हैं पर वो कंस्ट्रक्टिव होता है, जो वो कम्प्लीमेंट एक दूसरे को कर पाए, तो वैसी दोस्ती मेरे हिसाब से वो अच्छी होती है. तो पर्सनालिटी ट्रेट एक होते हैं, फिर वो कुछ कॉमन चीज होनी चाहिए. जैसे आप कहीं कोई कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं तो वो भी एक रीजन है दोस्ती बनाने का. आउटस्पोकन के कुछ एक एग्जांपल दे पाओगे आप कि आप आउटस्पोकन हो, और कैसे बताओगे कि आप आउटस्पोकन हो? सर कई बार मैं बातें बिल्कुल सीधी और डायरेक्ट कर देता हूँ, जिससे लोग हर्ट हो जाते हैं. तो ये मेरी थोड़ी सी जैसे अभी एक इवेंट चल रहा था, फिर वो मेरा दोस्त मुझसे पूछने आया कि वो कमियां बताओ मेरे में, या फिर तो मैंने अचानक उसकी बहुत सारी कमियां बता दी जिससे वो डिस्करेज हो गया. तो मुझे लगता है कि वो एक आउटस्पोकन. तो ये अच्छी चीज है बुरी चीज है? सर ये कई टाइम अच्छी भी होती है, जब आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक्सपेक्ट करते हैं तो आउटस्पोकन सही होता है. पर कई बार आप दूसरे लोग को अप्रोच करते हैं कि वो आपको क्या कहें, वो सांत्वना दे और आपको थोड़ा सा वो संभाले, और ऐसे समय में जब आप सीधी बातें करते हैं वैसे समय में कुछ थोड़ा सा एम्पैथी होना चाहिए. तो मैं समझता हूँ कि उस समय वो थोड़ा सा हानिकारक होता है, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि पहले मतलब उस कॉन्टेक्स्ट को समझा जाए, उसके बाद फिर अपनी राय को रखा जाए. Okay, so one final question from my side. Let us say if we think of hiring you. Okay. What is in you which makes you a very suitable candidate for ONGC, for this profile? Okay, sir, मैं creative रहा हूँ, मैंने event organize किया है, मैंने कई administrative role भी निभाए हैं. तो इस लिहाज से मैं सोचता हूँ कि मैं better रहूँगा और मैं इस के साथ justice कर पाऊँगा इस role के. और मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, मैंने जैसे इंटर्नशिप किया है न्यूज सेक्टर में, दैनिक जागरण में मैंने 2 महीने इंटर्नशिप भी किया था सर. तो मैं इस प्रोफाइल को फुलफिल कर पाता हूँ.
Okay, so I think we can proceed to give you the feedback now. Okay, sir. Okay. So let me first give you the feedback. Okay. See, Manish, overall it seems okay. आपका कॉन्फिडेंस वाइज यू आर ओके, एक्सप्रेसिव ही हो आप, ऑडिबल हो ना, एक्सप्रेसिव ही हो. एंड ओके, वन पॉइंट रिगार्डिंग कि जो आपका ओएनजीसी है, तो सी आपने कहा प्रॉफिट मेकिंग एंड ऑल दैट, तो प्रॉफिट मेकिंग जब आप बोलते हो ना, तो उसमें फिर आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, फर्दर क्वेश्चनिंग आएगी आएगी कि प्रॉफिट मेकिंग के साथ ही जाओगे अगर नहीं है, कहीं चैलेंजिंग एनवायरमेंट बस रहा है, क्योंकि हमेशा कंपनी जो है वो प्रॉफिट में नहीं रहेगी. राइट, यू आर गोइंग टू हैव अप्स एंड डाउन्स. हां, तो आप चाहो तो थोड़ा सा उसके, ठीक है, एक और बड़ी कंपनी है आप बोल सकते हो जिसमें एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा मुझे. RINL के बारे में आई एम नॉट प्रीटी श्योर, दिस इन्वेस्टमेंट भी हो रही है एंड वेदर हाउ दिस थिंग्स विल टर्न आउट टू बी आई एम नॉट प्रीटी क्लियर. ठीक है, तो हो सकता है वो हो ना हो, किसी को कुछ पता नहीं है, तो आप उसको साइडलाइन कर दो RINL को, कि हमें बहुत क्लैरिटी है ही नहीं उसमें. Yes, sir. On one side, I am having very clear where I have a very good organization, a very good structure, a good kind of work-life balance and all those things. So I think it could be one of the best choice for me. Okay, sir. तो उस तरीके से उसको थोड़ा सा मोल्ड करो. एंड एक क्वेश्चन और था जो लास्ट में ना, why should we select you? आप अपनी जो स्किल्स हैं वो तो बताते हो, ठीक है, थोड़ा क्रिएटिव हो, एडमायर हो, पर कोशिश करो कि जो प्रोफाइल है, फॉर एग्जाम्पल PRO के लिए जा रहा है, उसके लिए लिंक क्रिएट हो बैकग्राउंड से, जो कि आपको कंसोलिडेट करो आपकी प्रोफाइल को. ओके सर, तो PRO की प्रोफाइल है, तो आप क्यों उस पर्टिकुलर रोल के लिए सुटेबल हो, तो वो लिंक क्रिएट करो, ज्यादा बेटर रहेगा, रादर देन सेइंग कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी किया है, मैंने क्रिएटिव भी हूँ, वो काइंड ऑफ थ्रेटिकल हो गए कि मैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ, इस तरह का हूँ, तो ये तो हो गए थ्रेटिकल. द अदर पार्ट इज ओके फॉर दिस प्रोफाइल, दिस इज द बैकग्राउंड आई एम हैविंग. I have, for example, आपने वो जो आपका एक पीजी जो कोर्स किया हुआ है, आपने आपका जो जो आपने इंटर्नशिप की है, सो आप बोल सकते हो देयर आई हैव गॉट द एक्सपोजर दैट व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल एंड आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड टू हैंडल दोज रोल्स बिकॉज़ आई हैव एक्चुअली सीन दोज प्रोफाइल्स वर्किंग, हाउ द पीपल वर्क एंड हाउ दोज पीपल हैंडल दोज इश्यूज. और वो वाली स्किल आपने ऐड करो इसमें, जैसे जो कि आपको उसमें जैसे PRO में क्या है, आपको लोगों से डील करना, वो वाली अपनी जो स्ट्रेंथ है वो आप क्या कर सकते हो उसमें बता सकते हो, सोशिएबल. हाँ, तो वो वाली चीज को हाईलाइट करो, जो कि आप बोलोगे कि मुझे लगता है कि ये वाली कुछ एक स्किल्स हैं व्हिच आई एम स्किल्ड इन, रिलेशंस वाले. या सर, हाँ, तो मुझे लगता है कि आई विल बी द बेस्ट फिट फॉर दिस रोल. ओके, ठीक है, आपने बहुत शॉर्ट रखा इसको, रादर ये आपका जो है वो एक काइंड ऑफ क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपने अपने आप को प्रोजेक्ट करना है कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट. ये जो आप PhD कर रहे हैं ना, उसके बारे में पूछ सकता है आपसे डिटेल में, किस टॉपिक का क्या है मीनिंग, थोड़ा सा डिटेल में उसको एनालिसिस कर लो. और PRO के जॉब फंक्शंस रोल्स क्या होते हैं, और ONGC के PRO और प्राइवेट सेक्टर का PRO और किसी और ऑर्गेनाइजेशन के PRO में क्या डिफरेंस हो सकता है, और HR एक्टिविटीज और PR एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है, उनका क्या डिफरेंस हो सकता है, एंड आपने जो अपना मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं विद द पैसे ऑफ टाइम. जर्नलिज्म में देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज, बायस्ड जो मास मीडिया है उसके बायसिंग के ऊपर आपको क्या कहना है, स्टीरियोटाइप्स के ऊपर क्या कहना है, इवन मीडिया के अंदर भी स्टीरियोटाइप्स एंड बायसिंग चल रहा है दबा के, तो वो आपका उसको पूछेगा कि कैसा चल रहा है. और दूसरा, आप ONGC कार में डिटेल पढ़ो थोड़ा, और आपका क्या आपको लगता है कि ONGC आपको कैसे लगता है, आप सूटेबल हैं ONGC के लिए, ये चीजों के ऊपर थोड़ा करना पड़ेगा. सर, कम्युनिकेशन वाइज सर मैं थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम है. यस सर, इंग्लिश में अगर आप मेरे से पूछो, हां मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूं सर, मेरे को आती है, पर अभी क्या PRO से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है यार कम्युनिकेशन, वही तो मेन काम है. और आपके अगर मैं आपसे मैं क्वेश्चन पूछने वाला था, पूछा नहीं मैंने, कि ONGC विदेश लिमिटेड है हमारा, आपको कोलैबोरेट करना है किसी फॉरेन क्लाइंट्स के साथ हमारे, तो आप करोगे कैसे, आपको इंग्लिश फ्लो में तो नहीं है, आपका फ्लो वैसा तो नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा इंग्लिश में वो इशू तो है. अब वो ओवरनाइट तो डेवलप नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना भी है अब उसको ट्राई टू कीप योर पेस स्लो, सेंटेंसेस शॉर्ट, and try not to get your confidence affected by this knowledge. तुम्हारे दिमाग में खुद है कि मेरे को अंग्रेजी में फ्लो उतना नहीं है, तो वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को ना गिराए, बस ये देख लेना, कॉन्फिडेंस उससे रिलेट नहीं करना,
कॉन्फिडेंट आंसर करते जाओ। इंग्लिश एक पार्ट है, कम्युनिकेशन वो एक पार्ट है, ये सर वो स्पीकिंग थोड़ा सा वो दिक्कत करता है, वो ठीक है, वो अब जो है दिक्कत वो है, मैं ये बोल रहा हूँ उससे कॉन्फिडेंस अफेक्ट नहीं होना चाहिए इंटरव्यू के अंदर। और सर वो एक क्वेश्चन है सर कि वो मैंने सुना है कि सर वो पीएसयू का काम भी होता है हिंदी प्रमोट करना, लाइक मतलब पीआर फील्ड में भी, तो वन ऑफ माय सीनियर देखो आपको कभी बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, एक बार जॉब लग गया तो कोई ट्रबल नहीं है, समझ रहे हो आप उस बात को, लेकिन जो इंटरव्यू लेने बैठा है वो किसी और पर्सपेक्टिव से बैठा हुआ ना यार भाई, इसको दो ऑप्शन मिल रही है, एक पीआर ऐसा जो अंग्रेजी में फर्राटे से बोल रहा है, दूसरा ऐसा है जो अंग्रेजी में थोड़ा हार्ड टाइट है, तो किसको लेगा कुछ सोच के बताओ, चाहे बाद में चाहे उसको अंग्रेजी बोलनी नहीं है, उसको हिंदी में काम चला लेना है, लेकिन सिलेक्ट करते टाइम तो वो चाहेगा ना कि मेरे को वो है, लेकिन फिर भी मतलब हैविंग सेड दैट जो अंदर इंटरव्यू लेने वाले लोग होंगे वो हिंदी में ही बात करेंगे, और हिंदी को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अभी आपका इंटरव्यू तो नॉर्थ में हो रहा है, जिनका साउथ में भी इंटरव्यू हुआ ना उनको भी हिंदी में इंटरव्यू चला है, आईएसआरओ के इंटरव्यू पहले क्या था वो अंग्रेजी में चलते थे, इस बार हिंदी में हुए हैं, दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू एक्चुअली, बट स्टिल मतलब जो भी है अब yes, बोलो sir, उसमें अपना कॉन्फिडेंस मत शैटर होने देना, ये मैं बोल रहा हूँ। yes, sir, sir. बाकी अपना उस तरीके से करो राइट। और कब है कभी इंटरव्यू आपका, इंटरव्यू कब है? 18 फरवरी को। ठीक है, एचआर लगाओ रात को 10:15 बजे आओ, 10:15 बजे जो एचआर है। ओके ठीक है, ठीक है मनीष, ओके थैंक यू।